हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको नेपाल का वो सर्कुलर के बारे में बताऊंगा जो कल इशू हुआ था। कल नेपाल में जो लोग थे सऊदी अरेबिया आने के लिए या कोई भी तीसरे कंट्री आने के लिए, उनके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल डे था। लेकिन फाइनली वो सर्कुलर आया जिसका इंतज़ार था, जिसमें लिखा गया था कि वो मैं बताऊँगा आपको डिटेल में। उनमें 6 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, उनमें से एक ही पॉइंट हम लोगों के लिए है। बाकी पॉइंट्स भी एक बार देख लेते हैं कि क्या पता आप लोगों को कोई दूसरे लोगों को हेल्पफुल हो। ओके, पहला पॉइंट तो वो बताऊंगा। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कतर एयरलाइंस के बारे में। अगर आप नेपाल से सऊदी अरेबिया वाया कतर जाना चाहते हैं तो मैं बार 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 बोल रहा हूँ कि आप लोगों को कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। ट्रांजिट भी कर रहे हैं तो विद इन 48 आवर्स ऑफ डिपार्चर। ओके, उसके बारे में थोड़ा डिटेल बताऊँगा। कुछ भाई है, उन्होंने एयरपोर्ट से कुछ इन्फॉर्मेशन भेजे है, तो वो सारी बातें बताऊँगा। तो पहली बात, वो सर्कुलर के बारे में बात करते हैं जो नेपाल ने कल रिलीज़ करा था। उस सर्कुलर में जैसा मैंने आपको बताया कि 6 पॉइंट उन्होंने बताए थे, नेपाली में था सर्कुलर, मैंने ट्रांसलेट करके अपना नोट बनाया है। क्विकली आपको वो सारे 6 पॉइंट बता देता हूँ, जो आपको जानना जरूरी नहीं उसको स्किप करेंगे, ठीक है। पहली बात उन्होंने बताया है इंडियंस के लिए जो वाइल्ड लैंड आना चाहते हैं नेपाल, वो आ सकते हैं, लेकिन उनको परमिशन लेना पड़ेगा, कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा, होटल बुकिंग 10 दिन का लेना पड़ेगा। ओके, पहला। दूसरा उन्होंने चाइनीज सिटीजन के बारे में बताया, उसको भी स्किप करते हैं। तीसरा उन्होंने बताया है कि जो भी लोग नेपाल आ रहे हैं बाय एयर, उनको भी कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा और 10 दिन तक उनको होटल में क्वारंटीन रहना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट ये हो गया कि जो भी नेपाली सिटीजन है उनके बारे में बताया उन्होंने। पांचवा पॉइंट उन्होंने बताया है कुछ अरेंजमेंट, इंटरनल अरेंजमेंट्स, वो कोविड क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में बताया, उसको स्किप करते हैं। सिक्स पॉइंट जो है वो हम लोग का इम्पोर्टेंट का है, हम लोग के लिए है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग नेपाल आ रहे हैं तीसरे कंट्री जाने के लिए, उनको जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने ये बताया है कि जो भी लोग ऑलरेडी नेपाल में हैं उनको तीसरे कंट्री जाने दिया जाएगा। इस लाइन में उन्होंने ये नहीं बताया है डेट कि भाई इस दिन तक अगर जो लोग आए हैं उनको जाने नहीं दिया जाएगा या जाने दिया जाएगा, लेकिन ये मान सकते हैं क्योंकि कल ये सर्कुलर 28 तारीख को रिलीज़ हुआ था, तो 28 तारीख तक जो भी लोग नेपाल में हैं वो जा सकते हैं। और पिछले वाले सर्कुलर में 28 का डेट स्पेसिफाइड किया गया था, ठीक है। तो जब आप अगर आप नेपाल में हैं 28 तारीख तक, तो आप तीसरे कंट्री जा सकते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जब जो लोग आज या कल जाने वाले हैं उनका कुछ इनपुट्स है, 28 तारीख को जो लोग गया उनका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पहुंच ही गए हैं। जो 29 तारीख को आज सुबह से लोग जो जा रहे हैं उन्होंने क्या बताया है कि एयरपोर्ट में जब आप जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट पे जो स्टंप है अराइवल का वो चेक कर रहे हैं, दूसरा आपका टिकट का डेट वो चेक कर रहे हैं, ठीक है, ताकि वो श्योर कर लें कि आप कब आए हैं नहीं आए हैं। शायद ये मैकेनिज्म होगा, उनको इंस्ट्रक्शन होगा चेक करने के लिए। बाकी दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट जो मैं कल भी बताया था आपको और परसों भी बताया था कि अगर आप कतर एयरलाइन से जा रहे हैं नेपाल से सऊदी अरेबिया वाया कतर, तो आप अगर ट्रांजिट कर रहे हैं नेपाल से जा रहे हैं, ओके, कुछ कंट्रीज़ का उन्होंने सर्कुलर बताया था लेकिन मैं नेपाल का ही लूँगा। उन्होंने बताया था कि जो लोग नेपाल से जा रहे हैं कतर या फिर कतर से ट्रांजिट कर रहे हैं, उनको कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट लेना पड़ेगा और वो टेस्ट रिपोर्ट विद इन 48 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर के आपको लेने पड़ेंगे। अब आज सुबह भी फ्लाइट्स था कतर एयरलाइंस का, जिन लोगों ने कोविड PCR का टेस्ट 48 आवर्स विद इन नहीं करवाया था उन लोगों को जाने नहीं दिया गया। एक घंटा भी अगर ज़्यादा हो रहा था उस रिपोर्ट का तो जाने नहीं दिया गया, ठीक है। तो अगर आप कतर एयरलाइन से जा रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिएगा, आपका जो रिपोर्ट है वो 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर आपका होना चाहिए, फाइन। अब एक और बात इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप लैब में जाएंगे रिपोर्ट लेने के लिए तो ध्यान से एक बार रिपोर्ट को पढ़ लीजिएगा। कई केसेस ऐसे भी मुझे दिखे हैं जिनमें आप अगर मान लीजिए 25 तारीख का अगर सैंपल दे के आए हैं तो रिपोर्ट में 24 तारीख लिखा हुआ है, तो गलती है, टाइपिंग मिस्टेक है उनका, है ना, ह्यूमन एरर है। तो जब आपको रिपोर्ट आप लेने जाएंगे तभी आप चेक कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि समय बहुत कम रहता है उस समय में। तो ये सारी बातें थे आप लोगों के लिए। अब इसका कंक्लूजन क्या है कि जो भी लोग अभी नया आना चाहते हैं वाया नेपाल, वो नहीं आ सकते हैं, बिल्कुल नहीं आ सकते। आप नेपाल तो जा सकते हैं लेकिन नेपाल से तीसरे कंट्री नहीं जा सकते, ओके। तो अभी आप प्लान मत कीजिए नेपाल से आने का, जैसे ही कुछ न्यू अपडेट्स आएगा इससे रिलेटेड डेफिनेटली आप लोगों को शेयर करूँगा, बताऊँगा। तब तक अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।